और चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन एग्जाम की फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 कर दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों छात्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय नेता एडवोकेट प्रकाश आम्बेडकर 8 दिन के अंदर फैसला वापस लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 100 रुपये फीस नहीं करती है तो बहुजन अघाड़ी यूथ विंग सड़कों पर उतरेगा और सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगा। है तो हफ्ते भर में वंचित बहुजन अघाड़ी की यूथ विंग जो है वो रास्ते पर उतरेगी, आंदोलन शुरुआत करेगी और सरकार को मजबूर करेगी कि ये 1000 रुपए का जो फीस लगाई हुई है वो 100 रुपए पर ले आए। हम लोग मानते हैं यहाँ पर कि सरकार को झुकाने की आंदोलन में एक ताकत है और इस बार भी हम लोग कामयाब होंगे ऐसा हम लोग समझते हैं। हफ्ते भर के अंदर आंदोलन कभी भी शुरुआत हो सकता है।